वेलकम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक एक्सप्लेन किया था। अब मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस। आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द किंग। अपनी बातें बंद करो और काम शुरू करो। एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे जाने दो। मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आफ्टरनून मुझे कहीं जाना है, राजा ने बोला। वेन ही saw that the king was really angry with him, the barber said. ये सुनकर राजा बहुत ही गुस्सा हो गया था। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, ओ मास्टर, डोंट बी एंग्री, एंग्री मत होइए, गुस्सा मत होइए। आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपकी शेप करना शुरू करूँगा। सेइंग दिस ही वॉश्ड द किंग्स हेड एंड बिगिन टू शेव। ये कहकर उसने राजा के बाल धोए और उसने शेव करना शुरू कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन फॉर 4 times विद द रेजर। बट उसके बाद भी उसने 4 बार रेजर को नहीं छुआ। वेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, उसके बाद में रुका और बोला, माई मास्टर, यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर। मेरे मालिक, आप इस काम में बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द किंग। किंग ने ऑर्डर किया, अपनी स्पीक नो मोर, बातें मत करो, सिर्फ शेव करो। कीप पेशेंस, धैर्य रखिए। द बार्बर, बार्बर ने कहा, धैर्य रखिए मेरे मालिक। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर टू ग्रेट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट, एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो बात बताएं कि आपको इम्पॉर्टेंट काम क्या है, ताकि मैं उसको अपना कोई ओपिनियन दे सकूँ। फिनिश शेविंग एट वंस, एक बार शेव करने के बाद द किंग एक्सक्लेम्ड, किंग ने बोला, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द किंग हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। इसके बाद बार्बर ने उसकी, राजा की आधी शेव करी और उसके बाद उसने बोला कि टाइम क्या हुआ है। माई पेशेंस इज एग्जिस्टेड, मेरा जो धैर्य है वो हमारा अब टूट चुका है, खो रहा है। द किंग क्राइड, किंग चिल्लाया, वी कम माई मास्टर, मेरे मालिक, शांत हो जाइए, एंड यू शैल बी सेव इन अ मोमेंट, आपकी शेव एक ही क्षण में हो जाएगी। सेट द बार्बर, बार्बर ने कहा, एंड कॉन्टिन्यूड द शेविंग ऑफ द किंग, और उसने शेव को शुरू किया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, बट उसके बाद भी उसकी बातें नहीं रुकी। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।